हमें पता नहीं था कि ये से मेरे हाथ में सोना बनाया, सोना बनाने से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके वहाँ डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे जांच वो करेंगे। वहाँ एक BMW थे, BMW से कहा इनकी जांच करें, तो उन्होंने मेरे हाथ पैर की जांच करी, आँख बंद कर दी। ऐसे में बताया, उन्हें का पता चल रहा, मैंने कहा नहीं नहीं चल रहा, ये पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत इसी बात की हो रही है, ये मर्ज जो है आपको लेप्रोसी का हो रहा। सन 1833 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद में इस लेपर असाइलम की नींव सर हेनरी रैमजे ने रखी। सर हेनरी रैमजे गोरखा रेजिमेंट में ऑफिसर थे और वो जब अपने दौरे पर अल्मोड़ा आए थे तो उन्होंने और उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक कुछ रोगी को जो हाथों में कपड़े बंधे हुए और काफ़ी पट्टियां और घाव से भरा हुआ मनुष्य देखा तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और उसको जिस जगह पर वो रुके हुए थे उस जगह से बाहर करने की कोशिश की। तो यह आवाज़ सर हेनरी रैमजे ने सुनी और सुन करके उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ये आदेश दिया कि जाकर उस मनुष्य को देखो और इनको इस तरीके से चिल्लाओ मत और इनका पीछा करके पता करो कि ये कैसे रहते हैं, कहाँ इनका निवास स्थान है, क्या कैसे इनकी दिनचर्या है। तो जाकर के जब उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया या उनको देखने की कोशिश करी तो उन्होंने पाया कि ये जो इस रोग से पीड़ित थे, कुछ रोग से पीड़ित थे, ये दिन भर शहर के किसी स्थानों में बैठ करके भिक्षा मांगते थे और शाम को अल्मोड़ा से थोड़ा दूर गणेशी गैर तो वहाँ पर उनने देखा कि ये सब लोग एक पत्थर की खो के अंदर बैठ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब सर हेनरी रैमजे ने इस बात को सुना तो उनको बहुत बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने इरादा किया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों की सहायता करें, ऐसे लोगों की मदद करें। सन 1854 में ये एक पूर्ण रूप से संस्था का रूप इसने ले लिया। उसमें जब मैं यहाँ आई थी, मैं शाम को पहुंची यहाँ, तो हमें पता भी नहीं था यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ क्या है कैसा है कोई पता नहीं था। मैं यहाँ आई तो सबसे पहले रास्ते में मेरे को फिजियोथेरेपी के वर्कर मिले, उसके बाद में हॉस्पिटल, उनका मैं अभी आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में आई तो छुट्टी का टाइम हो गया था, छुट्टी के टाइम पर उन्होंने कहा ठीक है कल देखेंगे, ऐसा था कि शाम को मैं वार्ड में चली गई। वार्ड में जाने के बाद दूसरे दिन जब सवेरे आई चर्च में गई, पहले चर्च के बाद हॉस्पिटल में गई। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन ने देखा, लैब टेक्नीशियन ने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ये मर्ज है। उन्होंने कहा ऐसी कोई खतरे की बीमारी नहीं है, आप रह सकते हो घर में, ये उन्होंने भी कहा। तो इसे पूरे स्टाफ ने मतलब यही कहा, कोई नर्स ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है फिर चलो हम 2 महीने के लिए एडमिट कर देते हैं। 2 महीने के लिए एडमिट करा, फिर फिजियोथेरेपी वालों ने चेकअप किया, उन्होंने हाथ पैर देखे, उन्होंने कहा हाथ पैर में तो डिफेक्ट है काफ़ी, ये बातें उन्होंने भी करी। फिर 2 महीने के लिए एडमिट हो गई, फिर उन्होंने कहा यहाँ पर ही मेरे को परमानेंट कर दिया, BMC ने मुझे यहाँ परमानेंट कर दिया। परमानेंट करके अच्छा रहा, फिर मैंने यहाँ पर बहुत काम भी किया, बैग बनाए, टेबल शीट बनाई और स्वीटर बिने, बहुत कुछ काम करती थी, अच्छा व्यवहार था।
मरीज को समझाने के लिए पहले हमें उसका विश्वास जीतना होता है, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें कर चुका होता है और समाज से, अपने परिवार से, अपने बहुत से लोगों से दूर हो चुका होता है। तो जब शुरू में आता है तो उसके बहुत से घाव बन जाते हैं, जिनको कि बहुत से लोग छूना पसंद नहीं करते हैं और उसको दूर से ही दुकारना पसंद करते हैं। तो जब हमारे पास आता है तो हमें उसको बताना पड़ता है कि देखो, ये कोई डरने वाले रोग नहीं है, एक रोग है जो एक कीटाणु के द्वारा हो जाता है और ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो उसको ऐसा विश्वास होता है और वो हमसे उपचार कराता है। तो ऐसे ही बहुत से रोगी इस 28 वर्षों में हमारे संपर्क में आए जो यहाँ से उपचार पाकर आज ठीक हो चुके हैं। 28 वर्षों में मैंने देखा है बहुत से लोगों को इस लेप्रोसी मिशन ने हेल्प की है। वो हेल्प उसको हेल्थ एजुकेशन के द्वारा हम गाँव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं कि रोग के लक्षण क्या हैं, और दूसरी तरह से उनको रिहेबिलिटेट करना, पुनर्वास का काम जिसको हम कहते हैं, कि इस रोग के कारण अगर किसी का पुनर्वास छिन जाता है जैसे, तो उसको रोजगार देने के लिए वो उसकी क्या योग्यता है। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको हम पढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। अगर वो कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसके व्यवसाय करने के लिए भी हम मदद करते हैं, जैसे कि उनको कुछ बकरियाँ दे देना, मुर्गी पालन करना या और टेलरिंग करना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि इस रोग के बाद भी जीवन है। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में आएंगे तो आप ठीक होने के बाद भी अपने कार्यों को कर पाएंगे। 1989 में इस मिशन को लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया ने सेवा के लिए ले लिया और तब से लेकर अभी वर्तमान तक मिशन जो है इन रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करते आ रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में इस रोग से जो भी पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, इंडिविजुअल्स हैं या परिवार हैं, उन लोगों की देखभाल करना, उनको ट्रीटमेंट देना और उनको उनकी विकलांगताओं को दूर करना, उनको समाज में फिर से पुनः मुख्यधारा में जोड़ना और पुनर्वास करके उनको उनके पैरों पर, उनके परिवारों को उनके पैरों पर, उनके बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करके एक आत्मनिर्भर बनाना। पूर्णतः 2002 में एक कुष्ठ आश्रम के रूप में ये विकसित किया गया और उस वक्त लगभग 75 कुष्ठ रोगी जो यहाँ पर निवास कर रहे थे, मिशन ने उनको अपने आश्रम में गोद ले लिया और उनकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेवारी इस मिशन ने उठाई। तो अभी वर्तमान में लगभग 30 कुष्ठ रोगी पूर्ण रूप से यहाँ पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सन 2010 से पहले इस हॉस्पिटल को, हमारा जो मुख्यालय है दिल्ली, वहाँ से इसको फंड नियमित रूप से आता था और वो फंड हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है लंदन, वहाँ से अलॉट होता था और वहाँ से दिल्ली से फिर हमारे सेंटर को अलॉट होता था। लेकिन पिछले 2002 से 2010 के जो हमारी एनुअल रिपोर्ट थी, अगर उसका अध्ययन करते हुए, तो हमारे इंटरनेशनल ऑफिस ने और हमारे ऑफिस ने ये पाया कि लगातार यहाँ पर नए कुष्ठ रोगियों की संख्या कम होती जा रही है। तो काम की न्यूनता को देखते हुए जो हमारे फंड जो देते थे, जो हमें सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने ये तय किया कि डोनर्स के माध्यम से वो लोग जो हैं, ये छोटे से जो भी केसेस आ रहे हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2010 में हमारा ये फंड डिक्रीज होना शुरू हुआ, कट होना शुरू हुआ, तो संस्था के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त इस संस्था को लगभग 22 से 23 लाख रुपये पर एनम जो खर्चा इसको चाहिए होता था, लेकिन एकदम से वो खर्चा काट करके 6 लाख रुपए में हमारा आ गया और हमें इस अस्पताल को मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो तुरंत ही हमारे इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने, पूरे स्टाफ ने, हमारे एडवाइजरी कमेटी के लोगों ने और हमारे वेल विशर्स ने बैठ करके एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि ये मिशन जो है यहाँ के नगरवासियों से, यहाँ के लोगों से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेम लाइक माइंडेड जो हमारे एनजीओज हैं उनसे आपस में बातचीत करके इस मिशन को रुकने नहीं देगी, इस काम को आगे बढ़ाएगी। तो सारे मीडिया में और जो भी हमारे ऑडियो वीडियो है इसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये खबर
पूरे शहर में अखबारों के माध्यम से सारे हमारे जो कुमाऊं में जिले हैं उन जगहों में ये फैलाई गई और बताया गया कि इस संस्था को एक वित्तीय संकट से गुजरना पड़ रहा है। वर्तमान में इस संस्था की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी इस अस्पताल को या इस असाइलम को चलाने के लिए प्रति माह 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में फंड की पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है कि आने वाले समय में सरकार ने जो इस संस्था को चलाने के लिए दान देने के लिए इस संस्था की वित्तीय मदद करने के लिए एक आश्वासन दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आश्वासन अवश्य ही पूरा होगा।